हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बग्स या काले हिरन के बारे में। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, एक डिकेट पहले भी ये न्यूज़ में आए थे और आज भी इनका जिक्र न्यूज़ में ही हो रहा है। तो क्या हुआ है ऐसा, ये जानने के लिए हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ पे एक नया हाईवे बनाया गया है। अब ये हाईवे बनाया तो जनता की सहूलियत के लिए है, पर हम सहूलियतों में इतना भूल जाते हैं कि नेचर के साथ छेड़छाड़ कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे दैट अकर्ड ऑन 29 जनवरी, कि कैसे एक हाईवे पे 12 काले हिरनों की मौत हुई। ये हाईवे पहाड़ को काट के बनाया गया है, जिसके आसपास काले हिरन घास चरने आया करते थे, बट अब क्योंकि न्यू हाईवे बन गया है तो हम देख सकते हैं कि सारे जानवर कम से कम 30-40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह कोई पहला इंसिडेंट नहीं, थोड़े टाइम पहले से एक इंसिडेंट में एक ब्लैक बग की ऊंचाई से गिरकर ही जान चली गई थी, और यह हादसा एक लापरवाही के कारण हुआ। कंजर्वेटर्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नेट रिक्वेस्ट पहले भी की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लगाया गया है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें और उन ऑफिशियल तक पहुंचाएं जो जिसके लिए कुछ एक्शंस लें, वरना हमारी वाइल्ड लाइफ ऐसे ही एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। रोड एक्सीडेंट्स एक काफ़ी ही बड़ा रीज़न है जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर रहा है।